नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लेखपाल से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर एक बार फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हूं। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं GKGS के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपकी परीक्षा में पूछने के पूरे पूरे चांसेस हैं। दोस्तों, आप लगातार पढ़ते भी रहिए, साथ ही साथ आपके विभिन्न विषयों के लगातार मॉक टेस्ट भी करते रहिए, क्योंकि यही मॉक टेस्ट आपको बहुत ही बेहतर बना देंगे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों चलेंगे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूंगा, यह किसका नारा था? लोकमान्य तिलक का, महात्मा गांधी का, सरदार पटेल का या फिर लाला लाजपत राय का? तो दोस्तों सही हो जाएगा लोकमान्य तिलक, जिन्हें आपके BG तिलक, बाल गंगाधर तिलक भी कहा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी एक उपाधि थी लोकमान्य, इससे आप इस बात को भी आप समझ सकते हैं। बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की, तो इनसे संबंधित बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आपको पता ही होने चाहिए। पहली बात तो इनकी दो पत्रिका बहुत फेमस थी, एक दोस्तों उसमें केसरी और एक थी दोस्तों उसमें आपके मराठा। क्या थे आपकी? केसरी और मराठा, इनकी दो फेमस आपकी पत्रिकाएं थी। बात करते हैं अगर केसरी की, तो दोस्तों केसरी के संपादन के लिए, पत्रिका के लिए इन्हें आपके जेल जाना भी पड़ जाता है, और 1908 ईस्वी में इन्हें कहाँ पर दोस्तों आपके मांडले जेल जाना पड़ता है, और वहाँ पर इन्हें 6 साल की जेल हो जाती है। फिर 1914 ईस्वी में ये पुनः भारत वापस लौट कर आते हैं। आप लोगों को पता होगा कि 1907 ईस्वी में कांग्रेस के आपके अधिवेशन हुआ था, जिसमें कि कांग्रेस आपके दो भागों में विभाजित हो गई थी, एक गर्म दल में एक नरम दल में। और ये जब 6 साल के लिए जेल में जाते हैं, तो वहीं पर ये सोचते हैं कि हमारा उद्देश्य था एक साथ जुटकर आपके अंग्रेजों की ताकत को कमजोर करना, लेकिन हमने अपने में ही आपके विभाजित करके गर्म दल नरम दल बनाकर हमने अपनी ही शक्ति को कमजोर कर लिया। और फिर 1914 में जब ये लौट कर जेल से वापस लौट कर आते हैं, तो क्या करते हैं दोस्तों, तो ये आपके एनी बेसेंट के साथ मिलकर आपके कांग्रेस को एक करने का प्रयास करते हैं, और 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन के साथ कांग्रेस एक बार फिर से एक भी हो जाती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे किसके बारे में? लोकमान्य तिलक के बारे में, जो आपको पता ही होने चाहिए थे। महात्मा गांधी के बारे में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं? सरदार पटेल के बारे में क्या है? लाल लाजपत राय के बारे में क्या है? ये सब भी आपको पता ही होना चाहिए। अगर आप लोगों को जितने भी फैक्ट्स हों, तुरंत वीडियो पोस्ट कीजिए और उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि लिखने से बहुत सारी चीज़ें आपके रिवीजन हो जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगण मन सर्वप्रथम January 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पत्रिका में संपादित हुआ था, या फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है और ये पूछा जाता है कि किस आपके नाम से प्रकाशित हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जनगण मन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास यहाँ पर विकल्प हैं राष्ट्र जागृति, तत्व बोधिनी, भारत भाग्य विधाता, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भारत भाग्य विधाता के नाम से दोस्तों ये प्रकाशित हुआ था। और किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो हो जाएगा तत्व बोधिनी। बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो तत्व बोधिनी सही उत्तर नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसे पूछता कि किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, तो तत्व बोधिनी, और किस नाम से प्रकाशित हुआ था, तो भारत भाग्य विधाता के नाम से। चलते हैं दोस्तों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करेंगे दोस्तों, इन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। नोबेल पाने वाले प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ही रहे हैं। इनके बड़े भाई दोस्तों आपके ऐसी सत्कारी भी थे। USA की बात करेंगे, USA में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का संस्थापक किसने, गदर पार्टी की संस्थापना किसने की थी? यह पूछा जाए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी गया है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लाला हरदयाल आपकी गदर पार्टी के संस्थापक हैं। इन्होंने USA के सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की थी। लाला लाजपत राय के बारे में आप लोगों को जान लेना है कि लाल बाल और पाल, लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये तीनों की गर्म दल के बहुत ही प्रसिद्ध नेता रहे हैं। उसमें लाल लाजपत राय का भी नाम बहुत ही फेमस है। लाला लाजपत राय दोस्तों आपके लाल साइमन कमीशन का विरोध करते हुए इनके ऊपर जब लाठियों की बौछार गिराई गई थी, उसी में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। इस बात को आप लोग समझ कर चलेंगे। विपिन चंद्र पाल जो थे, ये भी एक गर्म दल के नेता थे। इसके बाद चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया? गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने, बिल्कुल भी नहीं। लॉर्ड कार्नवालिस, बिल्कुल सही, आपका भी बिल्कुल सही हो जाएगा। लॉर्ड कार्नवालिस ने भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात करने वाले आपके थे कौन? गवर्नर जनरल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक की, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल, और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल, क्योंकि इसी के साथ 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट के माध्यम से जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, उसको भारत का गवर्नर जनरल नाम प्रदान कर दिया गया था। यही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इनके बारे में। लॉर्ड विलियम बेंटिंक की बात करें दोस्तों, इन्होंने सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया था। कब लगाया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी हाल ही में, तो 1829 ईस्वी में। कब? 1829 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय की सहायता से इन्होंने ये सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि नाना साहब का दूसरा नाम क्या था दोस्तों? नाना साहिब जो आपके कानपुर से संबंधित थे, कहाँ से आपके कानपुर से संबंधित थे 1857 ईस्वी क्रांति में, और इनका दूसरा नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग, बिल्कुल भी नहीं।
धोंधुपत्तु पंत, यह बिल्कुल सही हो जाएगा बी विकल्प, तात्या टोपे भी नहीं, कुंवर सिंह भी नहीं। कुंवर सिंह तो आपके जगदीशपुर से थे और तात्या टोपे जो सबके लक्ष्मीबाई के साथ थे आपके 1857 ईस्वी की क्रांति में। रामचंद्र पांडुरंग दूसरे हैं और धोंधुपत्तु आपके नाना साहिब का ही दूसरा नाम था। वैसे दोस्तों तात्या टोपे का भी वास्तविक नाम के रामचंद्र पांडुरंग ही था, इस बात को आप इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखेंगे। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है, ये एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर चलेंगे। यहाँ पर जितने भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा सारे आपके हिस्ट्री से भी रहेंगे, जियोग्राफी पॉलिटी सबसे क्वेश्चन रहेंगे, तो इसके लिए आप घबराएंगे नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट से आपके एमसीक्यू टेस्ट यहाँ पर आपको कराए जा रहे हैं बिल्कुल पेपर के हिसाब से, जिस प्रकार से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए इस चैनल को ज्ञान तक को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लेखपाल की बहुत ही शानदार तरीके से क्लास यहाँ पर लगातार चलाई जा रही है, इसके लिए आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेखपाल को तो हम बहुत ही शानदार वे में चलाएंगे और रेगुलर में आपको लगातार क्लासें मिलती भी रहेंगी। लेखपाल की हमने बकायदे एक प्ले लिस्ट बना दी है जिसमें दोस्तों हमने 5 क्लास अपलोड की है आपके हिंदी की, 5 क्लास अपलोड की हमने हिंदी की मॉक टेस्ट की, और इससे पहले 3 क्लासें हम जीके जीएस के अपलोड कर चुके हैं क्वेश्चन की, तो क्लासें भी जाकर अवश्य कीजिएगा। इसी वीडियो के आपके आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी पूरे प्लेलिस्ट की। तो दोस्तों इसका सत्तर जगह भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे ज़्यादा आपके प्रभाव पड़ा है भारत के संविधान के ऊपर। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्या फेमस था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। सबसे पहली बात कि इसके ही अंतर्गत दोस्तों भारत में एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई, जो आपके इस समय नई दिल्ली में स्थापित की गई थी और बाद में यही आपके भारत के सुप्रीम कोर्ट के रूप में बदल गई थी। इसके बाद बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई, द्वैध शासन की, और जो आपके प्रांतों में द्वैध शासन था उसको हटा दिया गया। ये सब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपको पता ही होने चाहिए। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी, प्रांतीय स्वायत्ता प्रदान की गई थी, ये सब थे भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं, जो भारत के लोकतंत्र के आपके आदर्श हैं इसको हम कहाँ देख सकते हैं। बिल्कुल सही उत्तर कि आपका ये हो जाएगा प्रस्तावना में हम लोकतंत्र के आदर्शों को बहुत ही स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों प्रस्तावना की बात करेंगे तो इसको आपके 13 दिसंबर जवाहरलाल नेहरू जी ने आपके इसको पारित किया था, जवाहरलाल नेहरू ने जिसको 22 जनवरी को अपना लिया गया था संविधान में, 22 जनवरी 1947 को संविधान में यह अपना लिया गया था। इस बात को आप समझ सकते हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा आपके उद्देश्य कलाई गई थी वही बाद में प्रस्तावना में तब्दील हो गई। भाग वन की बात करेंगे दोस्तों, इसमें आपके भाग वन की बात करेंगे, इसमें आर्टिकल वन से लेकर आपके 4 तक आता है। आर्टिकल वन से 4 तक आपके भारत के यहाँ पर दोस्तों आपके आर्टिकल भाग वन में क्या आता है, भारत में भारत एवं उसका राज्य क्षेत्र इस प्रकार से आपके भाग वन में आता है। भाग अगर 4 की बात करें दोस्तों में आपके DPSP आता है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये इसमें आता है भारत सरकार आपके भाग 4 में। भाग 3 की बात करेंगे दोस्तों तो भाग 3 में मूल अधिकार समझ जाते हैं, मूल अधिकार आते हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, जो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल कहाँ तक 35 तक हैं, आर्टिकल 35 तक, और आर्टिकल 35 से लेकर आर्टिकल 51 तक भाग 4 में हैं। ये सब इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों आगे चलने से पहले आप जान लेंगे कि DPSP भारत के संविधान में आयरलैंड से ली गई है और जो आपके मूल अधिकार हैं ये आपके अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आप लिख कर याद करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है, अनुच्छेद 1 में आपके जो इंडिया है इसको भारत भी कहा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके जुबान पर होने चाहिए। ये चारों आर्टिकल दोस्तों आपके भाग वन से संबंधित है, इसमें आपके भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया, भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया। एक है भाग वन, भाग तीन में मैंने आपको बता ही दिया कि आपके भारत मूल अधिकार है अमेरिका से लिया गया, भाग 4 में DPSP है मैंने बता दिया आयरलैंड से लिया गया है, और भाग वन में बता दिया कि भारत एवं उसका राज्य क्षेत्र है, लेकिन भाग दो मैंने आपको नहीं बताया। तो याद रखेंगे कि भाग दो की बात करेंगे तो इसमें आपकी नागरिकता है, कहाँ से नागरिकता है, और ये ब्रिटेन से ली गई है। किस प्रकार से नागरिकता दी जाएगी, किस प्रकार से नागरिकता छीनी जाएगी, इसके सिटीजनशिप के बारे में भाग 2 में है। वैसे बस बात करेंगे तो भाग पूरे 20 होते हैं, इनके बारे में कभी मैं आपको बताऊंगा, अभी थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी। भारत का राष्ट्रपति की बात करें दोस्तों, राष्ट्रपति जैसे क्वेश्चन आए क्वेश्चन को छोड़ी पहले समझिए इससे हम क्या समझ सकते हैं, तुरंत याद कर लीजिए कि आर्टिकल 52 में आपके राष्ट्रपति का पद आता है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है। तो दोस्तों जो भारत का आपके प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है, वो संसद का एक अभिन्न भाग होता है। संसद में 3 चीज़ें आती हैं, एक होता है आपके लोकसभा जो आपके दोस्तों आपके निम्नतम जो आपकी श्रेणी होती है, और आपके एक अपर होता है आपका, एक होता है लोअर, तो लोअर में आपका होता है आपके लोकसभा और अपर में आपका राज्यसभा आता है, कि आपके
राज्यसभा आता है, राज्यसभा आता है, और उसका एक होता है आपके राष्ट्रपति। तो संसद के तीन अभिन्न आपके अंग हैं, कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और आप कौन? राष्ट्रपति। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद ही होने चाहिए। यहाँ पर लोकसभा भी है, आपके राज्यसभा भी है, यहाँ पर राष्ट्रपति को भी जोड़ दें तो इन तीन को मिलकर आपके एक संसद बन जाएगी। इस प्रकार से चीज़ें आप याद कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूँ राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति का पद आर्टिकल 52 में है, इसके ऊपर आर्टिकल 61 और आर्टिकल 72 बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इन चीज़ों को आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 72 के अंतर्गत क्षमादान से दे सकता है और आर्टिकल 61 के साथ इसके ऊपर महाभियोग भी चलाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति दोस्तों राष्ट्रपति के अगर ना हो मौजूद तो आपके उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का आपके पदभार संभालता है और उपराष्ट्रपति आपके राज्यसभा का सभापति होता है। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे कि राज्य जो सभा होती है उसका सभापति कौन होता है, अगर पूछे कि आपके लोकसभा का सभापति कौन होता है तो लोकसभा अध्यक्ष होता है जैसे, और लेकिन अगर पूछे कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है तो आपके उपराष्ट्रपति होता है। इस समय उपराष्ट्रपति आपके वेंकैया नायडू साहब हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि जो वेंकैया नायडू साहब हैं ये किस नंबर की आपके उपराष्ट्रपति हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार दो बार कौन रहे थे? तो सही उत्तर जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जिनका भी 5 सितंबर को जयंती हम लोग मनाते हैं आपके शिक्षक दिवस के रूप में। वही आपके भारत के दो बार उपराष्ट्रपति रहे थे। इसके बाद दोस्तों ये भारत के राष्ट्रपति भी बने। एस आपके जो आपके डॉक्टर एस मतलब कि होता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब हैं, ये भारत के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत रत्न पुरस्कार को प्राप्त किया 1954 ईस्वी में। इसके बाद चलेंगे दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो आर्टिकल 39 से उतर जाएगा। आर्टिकल 39 आपके DPSP से संबंधित है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो होता है। DPSP जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, कहाँ से? आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये भारत को एक कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। लेकिन DPSP दोस्तों इसको आप जाकर संविधान में चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि ऐसा इसमें कहा गया, लेकिन हो नहीं रहा है क्योंकि ये आपकी सरकार अपने हिसाब से करती है। सिर्फ इसमें कहा गया है, इसको आपके आपके इसमें आपके किसी भी कोर्ट में जाकर आप इसके खिलाफ अपील नहीं कर सकते हैं। तो आर्टिकल 39 भारत को एक कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जियोग्राफी से संबंधित आ जाता है। जियोग्राफी की जब भी मैं आपको बात करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि आपके डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफी, पृथ्वी का वर्णन करना ही आपकी जियोग्राफी कहलाता है। और इसके अगर जनक पूछें तो इरेटोस्थनीस सही उत्तर हो जाएगा, लेकिन इसके अगर आधुनिक भूगोल के पितामह पूछें तो अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट सही उत्तर हो जाता है, जिन्होंने कॉस्मस पुस्तक लिखी है। भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? जो भारतीय मानक समय होता है जिसे आपके इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं IST होता है, ये किस रेखा पर अपनाया जाता है? तो दोस्तों सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन बी 82.5 डिग्री ईस्ट, आपके का लॉन्गिट्यूड देशांतर रेखा। इसको क्या कहा दोस्तों आपके आपके वो भारत का मानक समय होता है जो भारत के 4 राज्यों से होकर गुजरता है। किस राज्यों से? आपके एक UP से दोस्तों गुजरता है, एक आपके आंध्र प्रदेश से, एक छत्तीसगढ़ से और एक उड़ीसा से। यहाँ पर देखेंगे कि एक यूपी, फिर दोस्तों आपके आंध्र प्रदेश, फिर दोस्तों आपके उड़ीसा और एक आपका होता है आपके दोस्तों उसमें छत्तीसगढ़। ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ की बात करें दोस्तों, पहले ये MP का ही पार्ट होता था, लेकिन बाद में 2002 में से आपके वहाँ से निकालकर एक अलग राज्य की संज्ञा दी गई। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को निकालकर अलग राज्य की दर्जा दी गई। इसी प्रकार से यूपी से उत्तराखंड को निकालकर अलग राज्य की दर्जा दी गई। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो ये क्वेश्चन आपको हो गया। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता दोस्तों कि आपके जो भारत का समय होता है दोस्तों आपके ये ग्रीनविच समय से कितना आगे है, तो आपके 5.5 घंटे आगे है। कितना? 5.5 घंटे आगे है। बहुत और क्वेश्चन पूछा था, इस क्वेश्चन भी आप नोट करके लिख लेंगे दोस्तों। आपके भारत का जो आपके ग्लोब होता है, आपके भारत का नहीं पूरे विश्व का जो ग्लोब होता है उसमें एक लाइन दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, एक लाइन दोस्तों इसमें इस प्रकार से आपकी लेटी हुई रहती है, इस प्रकार से। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लेटीट्यूड लाइन, इसे कहते हैं अक्षांश रेखा। और एक लाइन ये आपकी लंबी लंबी लाइनें होती हैं, खड़ी खड़ी लाइनें होती हैं, लंबी लंबी लाइनें। इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आपके लॉन्गिट्यूड लाइन, जिसे कहते हैं आपके देशांतर रेखा रेखा। समझ गए होंगे, अगर ये लॉन्ग है, लंबी लंबी है तो लॉन्गिट्यूड लाइन, और ये लेटी है तो लेटीट्यूड लाइन। इस बार इंग्लिश में भी इसके नाम आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था किसका? दोस्तों पहले आपके जो पूरा आपके विश्व में आप विश्व देखते हैं 5 महाद्वीप, ये पहले ऐसा नहीं था। पहले विश्व में आपके 2 लैंड हुआ करते थे, वहीं लैंडों से आपके अलग अलग होकर आपके अलग अलग क्या बने दोस्तों, अलग अलग करके दोस्तों आपके क्या बने हैं,
कॉन्टिनेंट बने हैं और इन कॉन्टिनेंट में अभी भी लगातार दोस्तों गति मूवमेंट जारी है और लगातार ये अपने अपने स्थान से हट रहे हैं। जो भारत का दोस्तों लैंड है, भारत का भी आपके प्रायद्वीप भारत है, ये आपके आकर टकरा गया था किसमें, आपके किसमें टकरा गया था, अंगारा लैंड में। तो भारत का उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग किसका था, ये सही उत्तर क्या हो जाएगा आपके, जुरिसकलैंड का, अंगारा लैंड का, आर्यावर्त का या फिर गोंडवाना लैंड का। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गोंडवाना लैंड, जो आपके भारत का भारतीय उपमहाद्वीप है, ये आपके गोंडवाना लैंड से संबंधित है। दोस्तों बात करते हैं थोड़ा सा आपके लैंडों के बारे में, किस प्रकार से ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की उत्पत्ति हुई, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों आपके जो पहले आपके पहले समझ लीजिए कि जो भारत का आपके उपमहाद्वीप गोंडवाना लैंड है, आपके ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मेडागास्कर आदि भी इसी के भाग हुआ करते थे। पहले दोस्तों एक पेंजिया हुआ करता था, पेंजिया बाद में विभाजन हुआ और दो बृहद स्थल खंडों में विभाजन हो गया, जिसके उत्तरी खंड को आपने कहा अंगारा लैंड और जिसके दक्षिणी खंड को आपने कहा कि क्या, गोंडवाना लैंड। इसी के बीच में आपके दोस्तों एक सागर भी पड़ा था, ये भी आप चीज़ें जानते हैं अच्छे तरीके से। और दोस्तों बात करते हैं इन्हीं दो आपके स्थलखंड, आपके उत्तरी में अंगारा लैंड और आपके दक्षिणी में गोंडवाना लैंड, इन्हीं से जाकर पूरा विभाजन होते होते आपके इतने भारत का वर्तमान आपके जो आकार है ये सामने आ पाया है। तो इस बात को समझ सकते हैं, भारत की बात करेंगे तो मूलतः आपके गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, जो भारत का प्रायद्वीप वाला भाग है, और यही आकर बाद में आपके अंगारा लैंड में टकरा गया था, इसलिए हम आपके यूरोप हमारे बिल्कुल बगल है। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में विषम पद का पता लगाएं, डेल्टा, चॉप, झील, वॉल्सन या फिर विसर्पण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ किसमें, आपके होमवर्क के लिए। आप कल के वीडियो में जब मैं उत्तर आपके इसका अगला वीडियो लाऊंगा तो आपके इसका आंसर बताऊंगा। आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसके कमेंट करिएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा, और जो भी चीज़ें इसके बारे में आप बता सकते हैं बिल्कुल भी बताइएगा। और जब आपकी लेखपाल की अगली जीके जिस क्लास आएगी तो मैं आपको इसका उत्तर बताऊंगा। लेखपाल की लगातार क्लासें हमारे यहाँ पर चलती रहेंगी, उसके लिए आप बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं, और यहाँ पर हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, किसी प्रकार की दिक्कत आपको लेने वाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है इंडियन ज्योग्राफी से कि जो जिला दर्रा जोड़ता है किसको, श्रीनगर। और हम 25 क्वेश्चन आपको आज कराने वाले हैं, और हमारा लक्ष्य है कि आप 25 में 25 क्वेश्चन प्राप्त, 25 नंबर प्राप्त कर लें। इसके लिए आप पढ़ने के साथ साथ अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते रहें, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप लगातार पढ़ते रहेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, इसके लिए बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं। क्वेश्चन आपका है कि जो जिला दर्रा जोड़ता है किसको, श्रीनगर और लेह को, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को, चंबा और स्पीति को, या फिर आपके कालिमपांग और लहासा को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, कहीं अलग से क्वेश्चन बनकर नहीं आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते भी रहे हैं और इस बार भी आपके पेपर में पूछे जाएंगे। आज मैंने अभी तक आपको पहले आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन कराए, फिर दोस्तों आपकी पॉलिटी के क्वेश्चन कराए, और अब आपके पास जियोग्राफी के लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, और इन क्वेश्चनों को आप अपने एक नोटबुक बनाएंगे कि हमको इसमें एक क्वेश्चन लिखना है, और उसमें लिखकर आप क्या करेंगे, इन चीज़ों को याद रखेंगे। इसी प्रकार से इन चीज़ों को याद किया जाता है, आप एक नोटबुक बनाइए और जितने क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे उसको लिख लीजिए, और दिन भर में एक बार उसको पलटकर याद कर लीजिए। एग्जाम तो चलना आपके साथ है, किसी प्रकार की दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है। तो जो जिला दर्रा की बात करूँ मैं आपकी, तो जो जिला दर्रा आपके जम्मू एवं कश्मीर राज्य में है, जम्मू एंड कश्मीर राज्य में पड़ता है, और दोस्तों ये आपके जो जिला दर्रा होता है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, इसको श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। लेह मतलब दोस्तों आपके लद्दाख की राजधानी लेह, और श्रीनगर मतलब जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, इसको दोनों को जोड़ता है कौन, आपकी जो जिला दर्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, दर्रों से बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछ जाते हैं, और ऐसे दर्रे आपको बिल्कुल भी याद ही होने चाहिए। एक दिन मैं एक स्पेशल सीरीज लूँगा दर्रे की, सारे दर्रे वहाँ पर मैं आपको कंप्लीट कर दूँगा, जैसे मैंने एक स्पेशल ली थी आपके झीलों की, एक इंपॉर्टेंट क्लास ली थी मैंने झीलों की, और एक ही वीडियो मैंने आपको सारी झील इंपॉर्टेंट करा दी थी, और वो भी बिल्कुल ट्रिक के साथ, लगभग आधे घंटे क्लास थी, लेकिन ट्रिक के साथ मैंने ऐसी याद कराई कि 30 झीलें तो आपके जुबान पर होंगी, 30 झीलें तो आपके जुबान पर होंगी, अगर आपने वो वीडियो देखा है। अगर नहीं देखा है कोई दिक्कत नहीं है, आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर अभी देखिए, ट्रिक के साथ सारी झीलों को याद कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दर्रा से है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है सिपकिला दर्रा, नाथुला दर्रा, जो जिला दर्रा तो है नहीं कि अभी मैंने बता दी जम्मू कश्मीर में, या फिर जिलेपला दर्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका सही उत्तर जाएगा सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा कहाँ पर पड़ता है, आपके हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण। यहाँ पर दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आपकी हिमाचल प्रदेश के 3 दर्रे बहुत फेमस हैं, एक है आपका सिपकिला दर्रा, इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, दूसरा है आपका रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, और तीसरा है दोस्तों आपका कौन सा दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा। ये 3 दर्रे कहाँ कर हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगला, बात करते हैं जो जिला दर्रा कहाँ, आपके जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू कश्मीर के भी आपके 4 दर्रे बहुत फेमस हैं, एक आपके जो जिला दर्रा, एक है दोस्तों आपके काराकोरम दर्रा,
काराकोरम दर्रा, एक है दोस्तों आपके पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, एक है दोस्तों आपके बनिहाल दर्रा, ये सब आपके जम्मू कश्मीर के हैं, नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, बनिहाल दर्रा और एक है आपका बुरजिल दर्रा। ये पांच दर्रे याद रखेंगे कि बनिहाल दर्रा, बुरजिल दर्रा, काराकोरम दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, जोजिल दर्रा, ये आपके जम्मू कश्मीर के पड़ जाते हैं। अब बात करते हैं आखिरकार ये जिलेपला दर्रा कहाँ से आ गया, जिलेपला दर्रा कहाँ से आ गया, जिलेपला दर्रा कहाँ से आ गया, जिलेपला दर्रा तो मुझे भी याद नहीं आ रहा है। नाथुला दर्रा की बात करते हैं, नाथुला दर्रा कहाँ से, नाथुला दर्रा आपके सिक्किम के हैं, और बिल्कुल सिक्किम दर्रा दोनों के हैं, आपके जिलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा दोनों सिक्किम के हैं, याद आ गया मुझे, सिक्किम से आपके जिलेपला भी है, आपके नाथुला भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप बिल्कुल भी याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, क्वेश्चन तो मैंने और भी लेकर आया था लेकिन ये वीडियो बड़ा बढ़ रहा है, ये क्वेश्चन भी आपके शेष रह गए इतिहास के, आपके थोड़ा सा ज्योग्राफी के और साइंस के, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको अगले सेशन में करा दूंगा क्योंकि हमारे यहाँ पर टारगेट रहेगा कि लगभग 20 मिनट में आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराए जाएं। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट कराए ये सारे क्वेश्चन एक बार रिवीजन कर लीजिएगा इसके बाद, और एक वीडियो मैंने स्पेशल लाया 2 अक्टूबर को भी महात्मा गांधी की जयंती पर, और यहाँ पर कराए गए महात्मा गांधी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन और कुल 35 क्वेश्चन मैंने कराए हैं इसमें। अगर आप लोग इसका देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर अवश्य देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। उम्मीद कर दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों को भी अवश्य बताइएगा कि अगर लेखपाल की तैयारी करनी है तो एग्जाम तक से। चलिए दोस्तों आज के लिए आप लेते हैं विदा, अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक, धन्यवाद।